सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और 2 दिनों से बारिश लगातार हो रही थी, तो आज सुबह से मौसम थोड़ा सा साफ हो गया है, लेकिन ठंड है अभी बहुत ज़्यादा। और टाइम हुआ है अभी सुबह का 7:30 बजे का, और मुझे अभी अपनी भैंस को दूना है। अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है अंदर का, तो मैं बाहर आई हूँ, थोड़ा सा मौसम का देख रही हूँ मैं, क्योंकि आज रात को हमारे घर के ऊपर वाली जो पहाड़ी है उसमें बर्फ गिरी हुई है, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं देगी शायद कैमरे में। तो बर्फ आगे तक गिरी हुई थी, लेकिन वो आगे वो पिघल गई है, आगे ठहरी नहीं है वो। तो पीछे पीछे जो पहाड़ी है दूर वाली, उसमें बर्फ ठहरी हुई है, तो बहुत सुंदर लग रही है आज देखने में भी नज़ारा। और सबसे पहले अब मैं अपनी भैंस को दूंगी जा करके, और अभी हमारे पास अंदर ही बंद हैं क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। धूप तो निकली है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जब पूरी धूप निकल आएगी तभी निकालेंगे हम पशुओं को बाहर। तो भैंस धो के मैं आ गई हूँ, और अब मैं खाना बनाने का काम करूँगी अंदर। और आज हरदीप कहीं जा रहा है, तो खुद ही बताएगा वो कहाँ जा रहा है। तो 8:21 हो गए हैं, और मैं जा रहा हूँ आज मार्केट। हम हिमाचल के मंडी जिले से हैं हम, और जो हमारा मेन शहर है उसका नाम भी मंडी है। तो मैं आज जा रहा हूँ मंडी, क्योंकि मुझे फ़ोन लेना है आज, और फ़ोन लेके ही आऊँगा मैं। फिर मम्मी उससे व्लॉग वगैरह जो भी बनाएंगी वो खुद बनाती रहेंगी। और अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब बस पकड़नी है मुझे, और फिर अगर जो मोबाइल मैं लूँगा अगर वो ऑन हो, उनमें कहीं में चार्जिंग की होती है कहीं में चार्जिंग नहीं होती, अगर उसमें चार्जिंग की है तो मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग आगे मंडी में कर लूँगा, और थोड़ी सी आगे फिर घर में करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं शाम को सीधा घर में आके दिखाऊंगा फोन। तो खाना मैंने बना लिया है, और भैंसों को भी हमने बाहर बांध लिया है, और आज मौसम भी अच्छा है, धूप निकली है आज बढ़िया। तो आज भैंसों को भी नहलाएंगे हम, तो गर्म पानी से नहलाएंगे हम अपनी भैंसों को आज, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। और धूप तो निकली है पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं गर्म पानी लेकर आऊँगी। सर्दियों में जब ज़्यादा ठंड होती है तो हम अपनी भैंसों को गुनगुना पानी ही पिलाते हैं, और आज भी मैंने अपनी भैंसों को गुनगुना पानी ही पिलाया है। ऐसे तो पानी बहुत ही ठंडा है। तो पानी पिलाने के बाद अब इनको घास डाल दिया है हमने, और अब मुझे और काम करने को अंदर। तो फ़ोन लेके निकला हूँ मैं अभी इंदिरा मार्केट से, और अभी मैं इसकी कैमरा सेटिंग वगैरह चेक कर रहा हूँ, तब लगेगा पता घर जाके कैसी है इसकी सारी सेटिंग्स। बाकी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ मैं चेक, बाकी थोड़ा सा घर में जाके लगेगा पता भी। तो 3 बज गए हैं लगभग, और 3 बजने वाले हैं, और अभी उतरा हूँ मैं बस से, और अभी लगभग घर पहुँचने में मुझे 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। और मैं लेट हो गया क्योंकि एक मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मैंने दुकान में दिया वो ठीक करवाने को, और उसको थोड़ा सा देर लगी। अगर वो जल्दी ठीक हो जाता तो मैंने 12 बजे आ जाना था घर। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं अभी, और घर पहुँचने तक तो अभी पता नहीं बड़ा टाइम लग जाएगा, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे शायद। यहाँ पर आगे एक कच्ची सड़क दिख रही है, ये कच्ची सड़क जाती है हमारे घर तक, और आगे जहाँ तक दिख रहा है वहाँ से आगे हमारा घर लगभग 100 किलोमीटर आगे है। और यहाँ नीचे से आया हूँ मैं, नीचे यहाँ पे जो पेड़ जैसे दिख रहे हैं यहाँ से भी नीचे से आया मैं, बहुत नीचे है यहाँ से। तो और घर पहुँचते पहुँचते अभी 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे, तब तक मैंने मम्मी को कॉल कर लिया कि मैं पहुँचने वाला हूँ। और अब फ्रंट कैमरे से मम्मी बनाएंगी अपनी पहली वीडियो, अभी तक मम्मी ने फ्रंट कैमरे से अभी तक कोई वीडियो ही नहीं बनाई है, तो आज एक तरह से जो मम्मी वीडियो बनाएंगी ये उनका पहला व्लॉग होगा एक तरह से, क्योंकि हर बार मैं ही बनाता था उनकी बैक कैमरे से वीडियो। तो अपना सारा काम मैंने निपटा लिया है, और अभी थोड़ी देर पहले हरदीप का फोन आया था, उसने बोला है कि मैं अभी आने वाला हूँ, तो बस हरदीप आता ही होगा। तो आ गया है हरदीप, तो अब करूँगी मैं फ़ोन चेक। तो अब मैं ये फ़ोन मम्मी के पास दे दूँगा, और अब मम्मी बताएंगी कि ये फ़ोन उनको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को तो इतना बढ़िया फ़ोन है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और इतना प्यारा फ़ोन मैंने तो अपनी ज़िंदगी में भाई पहली बार लिया है इतना अच्छा फ़ोन। और इससे पहले भी लिया था एक फ़ोन मैंने 3 साल पहले, वो भी हितेश ने लिया था, और ये भी हितेश ने ला कर दिया है, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को फ़ोन। और भगवान मेरे बच्चों को हमेशा राजी रखना, खुश रखना, और इनको सही सलामत रखना। बहुत प्यारा फ़ोन लगा मुझको, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ आज ये फ़ोन मेरे हाथ में आया है ना, तो मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं आज ये फ़ोन देख करके। तो आज पहली बार मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, वैसे तो रोज़ रोज जब मैं वीडियो बनाती थी ना बैक कैमरे से, तो मैं कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाती थी ना एकदम से, जैसे मतलब मेरे मुँह से आवाज़ ही निकल रही कुछ भी, जैसे मैं कैमरे के पास खड़ी होती थी। तो आज मैं ना अपने आप ही मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है, जैसे मैंने फ्रंट कैमरे को देखा तो अपने आप ही खुशी के मारे आवाज़ मुंह से अपने आप ही निकल रही है
तो आज मेरे हाथों में नया फोन आ गया है और आज के बाद मैं फ्रंट कैमरे से अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करूंगी, क्योंकि मेरे पास जो पुराना फोन था ना उसका फ्रंट कैमरा खराब हो गया था, वो बिल्कुल भी नहीं काम करता था, तो बेचारा बस ऐसे ही था, टेम्परेरी काम करते थे हम उससे। और बहुत दिनों से सोच रहे थे हम नया फोन लेने की, लेकिन बहुत दिनों बाद हमने आज फोन ले लिया है। तो आज मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करूंगी, और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो बताना जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।